बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो ज़माना जितना भी तब्दील हो जाए, जितना भी जदीद हो जाए, लेकिन तिल्ले वाली खेड़ी मियाँ वाली की मकीनों का हमेशा से ही शौक रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आज मौजूद हैं अली साहब के पास, जो कि तकरीबन 55 साल से मियाँ वाली में तिल्ले वाली खेड़ी का काम कर रहे हैं। और ये तिल्ले वाली खेड़ी की दुकान इनकी मियाँ वाली में सबसे पहले इन्होंने बनाई थी। तो आए इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, तिल्ले वाली खेड़ी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये तिल्ले से बनी है। तिल्ले की तारों को हाथ की महारत से ऐसे परोया जाता है, ये खूबसूरत जूती बनती है। तो ये तिल्ला कहाँ से आता है? तिल्ला पहले इंडिया तो आंदा है जी, तो हूँ पाकिस्तानी है सारा, ये लैलून चलती पई है। तिल्ला हूँ असल कोई नहीं। अच्छा, लून इतनी अच्छी है कि तिल्ले नालू भी अच्छी निकली है। अच्छा, मतलब असल तिल्ला जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो ये एक जूते को बनने में कितना टाइम लग जाता है? एक दिन लग जाता है एक जोड़े में, तिल्ले वाले के तकरीबन एक माह, एक महीना। अच्छा, तिल्ले वाले जूते पे एक महीना तकरीबन लग जाता है बनने में। तिल्ला चढ़ने पर, तिल्ला चढ़ता है ना जी उधर लावा लावा साइड में, उधर चढ़ता है फिर हमारे पास आता है, हम खेड़ी बनाते हैं तो एक दिन लगता है। अच्छा, मतलब ये लावा से बन के आती है, जो तिल्ला है वो लावा से लग के आता है फिर आपके पास आता है। सूण तिल्ला चढ़ता है ज़्यादा या चकवाल या तलगा। अच्छा अच्छा, तो तकरीबन एक महीने में तैयार हो जाती है। तो किस सीज़न में ज़्यादा इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, शादियों के सीज़न में या ईद पे? ईद पे तो खैर ज़्यादा सादा जोड़ा चलता है, शादियाँ तो जरिया वाला जोड़ा चलता है जी। अच्छा, तो ये असल में कहाँ की ज़्यादा मशहूर है, लावा की ज़्यादा मशहूर है या यहाँ मियाँ वाली ज़्यादा? वाली की मशहूर थी, अब जो है लावा की मशहूर है। अच्छा, इसके अलावा किस किस इलाके में, पाकिस्तान के किस किस शहर में इसकी ज़्यादा डिमांड है, किस किस शहर में आप भेजते हैं? सबसे ज़्यादा मियाँ वाली में और कराची। अच्छा, मियाँ वाली और कराची में सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये ज़्यादा नौजवान ज़्यादा पहनते हैं, बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, जवान भी पहनते हैं? मतलब हर उम्र का जो नौजवान है, लड़का है, वो पहन सकता है जी। अच्छा, आपको तकरीबन 55 साल हो गए हैं, तो 55 साल के दौरान कभी भी कोई भी ऐसा साल आया जिसके अंदर इसकी डिमांड कम हुई हो या सेल आपकी कम हुई हो या इसके अंदर कोई और तब्दीली आई हो? ये ऊंच नीच तो होती रहती है, ऊंच नीच तो है, हर सीज़न में होती है। सर्दियों का सीज़न जो है ये बहुत मंदा होता है हमारा। अच्छा, गर्मियों का सीज़न चलता है। अच्छा, तो अगर किसी ने स्पेशल डिमांड पे कोई तैयार करवानी हो तो कितने दिन पहले वो आपसे ये ऑर्डर देगा? कम से कम 12 दिन 10 दिन। अच्छा, तकरीबन 10 दिन पहले ऑर्डर देगा। और अगर किसी और शहर में भिजवानी हो तो आप खुद भिजवाएंगे या वो एड्रेस दे देंगे तो भेज देंगे? अच्छा, अगर किसी ने आपसे राबता करना हो तिल्ले वाली खेड़ी बनवाने के लिए तो वो कैसे आपसे राबता करेगा? फ़ोन पर राबता कर सकता है। तो अपना नंबर अगर आप बता दें। हाँ, 0305-71-68-729। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो इनकी सबसे पहली दुकान मियाँ वाली में जो तिल्ले वाली खेड़ी की बनी थी वो इन्हीं ने बनाई थी, और इनको तकरीबन 55 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। जी, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए कीमती। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़।